वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फैन। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी का रिजल्ट आज और अभी से लेकर 17 फरवरी तक किसी भी दिन किसी भी टाइम जारी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं NDTV जो देश का काफ़ी ट्रस्टेड और फेमस न्यूज आर्टिकल पब्लिशर चैनल है, और इसमें अभी अभी अपडेट आई है। अभी मैं अपडेट भी दिखाऊंगा। RRB रेलवे, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी के रिजल्ट पर RRB अधिकारी ने दी ये जानकारी। जानिए अपडेट। तो ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट इन्होंने अपने वेबसाइट पे जारी किया है। यहाँ पे देखिए, RRB ग्रुप डी रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। RRB ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रीजन की RRB वेबसाइट्स पर जाना होगा। उसके बाद अपडेट, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है 14 फरवरी 2019 की अपडेट है, यानी कि आज ही के दिन की अपडेट है, और दोपहर के 13:29 यानी कि 1:29 की अपडेट है। तो सबसे पहले अपडेट आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और साथ में आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और कल के दिन रेलवे ने अपने 1,30,000 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके सिंपली चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पर RRB ग्रुप डी रिज़ल्ट, ग्रुप डी का रिज़ल्ट किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आप सभी को। और पढ़े पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नई दिल्ली की तरफ से अपडेट है, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के 62,907 पदों पर हुई परीक्षा का रिज़ल्ट किसी भी समय जारी कर सकता है। यानी कि कोई भी जो है तो डेट या टाइम फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग जो है तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी का रिज़ल्ट जारी करने की कोई तारीख तय नहीं की है। RRB के वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया कि रिज़ल्ट जल्द जारी किया जाएगा। बस मीडिया से अभी बातचीत हुई है तो इतना ही कहा गया कि रिज़ल्ट जल्द जारी किया जाएगा। करीब 1.89 करोड़ लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जबकि इस परीक्षा में 1.17 करोड़ उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जारी करना एक बड़ा काम है। हम नहीं चाहते हैं कि रिज़ल्ट में कोई गलती हो। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिज़ल्ट 17 फरवरी को जारी किया जाएगा। हालांकि रेलवे के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी सभी रीजनल वेबसाइट्स पर जारी करेगा रिज़ल्ट, और ध्यान रखें कि उम्मीदवारों को अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए अपने रीजन की RRB वेबसाइट्स पर जाना होगा। सभी वेबसाइट्स पर रिज़ल्ट का एक लिंक एक्टिव किया जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को लॉगिन करना होगा। उम्मीदवारों को लॉगिन करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की ज़रूरत होगी। ऐसे में उम्मीदवार अभी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास कहीं लिखकर रख लें। उसके बाद कैसे चेक कर पाएंगे, ये स्टेप्स बताया गया है। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है आपको यही बताना है कि रिज़ल्ट किसी भी टाइम किसी भी वक्त आ सकता है, और NDTV की अपडेट आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। और मेन जो है तो अपना 17 डेट है, बट उससे पहले भी जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।